पार्ट कौन सा है? टू। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट कौन सा है? टू। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर टू। यस सर। क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सेकंड सेकंड पावर फोर। पावर फोर एक्स एक्स डी एक्स डी एक्स। सारे क्वेश्चन देख ले, यही है। यस ठीक है। क्वेश्चन क्या था? तो अब हमने क्या करना है? इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे पता है कुछ आपको? कोई गैस है या नहीं पता? इसको हमें एक्स सेकंड फोर है, इसको हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर दो सेकंड स्क्वायर। समझ आ गई इतनी? यस सर। है बिलोंग सर। यस सर। सेकंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? टेन है। हैं? टेन है। टेन एक्स के वन प्लस टेन एक्स के एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स होता है। यस सर। सही क्या? तो अब सेकंड स्क्वायर की जगह इधर हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन एक्स के एक्स। यस सर। इधर क्या आएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इन टू सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ आ गई इतनी? अब्दुल रहमान। यस सर। तो अब इसके बाद क्या ये इसके साथ मल्टीपल हो रहा है सेकंड स्क्वायर एक्स दोनों के साथ? पहले वन के साथ हो जाएगा, फिर टेन स्क्वायर के साथ हो जाएगा। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर एक्स वन के साथ मल्टीपल होगा, तो ये क्या देगा? सेकंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर एक्स और सेकंड स्क्वायर एक्स। और साथ क्या देगा? ब्रैकेट में लगाके डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स। समझ आ गई थी? तो अब इसको क्या करेंगे? अलग-अलग इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर एक्स और क्या आ जाएगा? डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर एक्स और क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। समझ आ रही है? तो इधर से सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है? सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? हैं ये भूल गए? और टेन इधर ये टेन स्क्वायर है, तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर इक्वल होता है ना टेन का डेरिवेटिव। यस सर। ठीक है, तो वो इसके साथ मल्टीपल होगा, यहाँ पे तो फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, और सेकंड स्क्वायर किसकी इक्वल? टेन एक्स सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन। समझ आ गई थी? सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? टेन एक्स प्लस आ जाएगा। और इधर क्या हो रहा है? टेन। और इधर क्या हो रहा है? पहले इसका फंक्शन पड़ा हुआ है उसकी पावर एन है, और उसके साथ फंक्शन जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर तो इसका क्या है? इसकी इंटीग्रेशन क्या आ रही थी? फंक्शन में एक पावर जब फंक्शन उसकी पावर में एक ऐड कर देते उसी से डिवाइड कर देते। यस सर। तो यहाँ भी आप देखना टेन स्क्वायर टेन क्या देखना हमें टेन की वो देखना डेरिवेटिव। yes, टेन का डेरिवेटिव क्या है? सेकंड स्क्वायर। वो इसके साथ मल्टीपल और इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा। यस सर। उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इधर? टेन क्यूब एक्स ओवर क्यूब प्लस सी। ये इसका क्या क्या आंसर? समझ आ गया क्वेश्चन का? यस सर। चलो ठीक है, नोट।